हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर आप लोगों के साथ आज एक ऐसी बढ़िया केक की रेसिपी लेके आई हूँ कि बच्चे तो आपके आप बना देंगे, ये तो खुशी हो जाएंगे। जो बाजार से लाके वो स्लाइस केक खाते हैं या यूं कहें चॉकलेट पेस्ट्री लाके खाते हैं, वो भी खाना बंद कर देंगे। ये इतने कम सामान से फटाफट से इतनी जल्दी से बन जाता है, और ना इसको बनाने में हमें अवन चाहिए, ना कुकर, ना कढ़ाई, ना भगोना। आज हम इसको तवे पर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइस केक बनाना। लेकिन स्लाइस केक बनाने से पहले फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले हो। थैंक यू। स्लाइस केक बनाने के लिए हमने ये दो ओरियो बिस्कुट लिए हैं, जो 120 ग्राम वाला पैकेट है। ये हमने दो पैकेट बिस्किट लिए हैं, टोटल ये हमारा 240 ग्राम बिस्किट हो गए। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब जो ये बिस्किट्स हैं, इनको हम ऐसे खोल लेंगे और जो इनके अंदर ये क्रीम लगी है उसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। सारे बिस्कुट को ऐसे खोल के हम इनकी क्रीम को निकाल लेंगे। इसके लिए हमें कोई भी व्हिप्ड क्रीम नहीं चाहिए, हम इन्हीं बिस्कुट की निकली हुई क्रीम से हम अपनी स्लाइस केक में लगाने की क्रीम भी बना लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारे बिस्किट्स की क्रीम निकाल दी है। आप वनीला फ्लेवर की जगह आप चॉकलेट फ्लेवर के भी बिस्किट ले सकते हैं, और ये बिस्किट हमने ऐसे अलग कर लिए हैं। अब इनको हम तोड़ के मिक्सिंग जार में डालकर इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। अगर आपके पीसने में कुछ कण रह जाते हैं तो आप उसे छान लीजिएगा। ये देखिए, हमने बिस्किट को पीस कर एक बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया, इसमें एक भी कण नहीं है। अगर आपके कण रह जाते हैं तो आप उसको छान लीजिएगा। अब इसमें हम एक कप हमने रूम टेम्परेचर पर दूध ले लिया है। ये हमारा उबला हुआ दूध है, ना ज्यादा इस समय ठंडा है ना गर्म है, ये रूम टेम्परेचर पे है। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध को मिलाएंगे और एक ही डायरेक्शन में इसको बिस्किट का हम पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, हमारा इस तरह से एक बैटर बनना चाहिए, ना ये ज्यादा गाढ़ा है और ना पतला है, इस तरह से इस फ्लो में गिरना चाहिए रिबन की तरह। ये देखिए कितने अच्छे से गिर रहा है। हमने एक कप दूध लिया था, उसमें हमारा ये दो चम्मच के करीब दूध बच गया है। अब इस बैटर को हम एक तरफ रख देते हैं। हमने गैस पर एक नॉर्मल तवा रख दिया है। आपके घर में जो भी तवा हो, आयरन का, नॉन स्टिक, कोई भी तवा आप रख दीजिए, और मैं 5 से 7 मिनट तक इसको प्री हीट कर ले रही हूँ। इस स्लाइस केक को हम ना कुकर में बनाएंगे, ना कढ़ाई में बनाएंगे, ना अवन में, ना माइक्रोवेव में। इस केक को हम बनाएंगे एक नॉर्मल इस तरह के पैन में। अब ये देखिए, इस तरह का बटर पेपर हम घर पे ही हमने तैयार करा है। अगर मार्केट में आपको बटर पेपर ना मिले तो आप कोई भी नोटबुक की बच्चों की कोई भी एक पेज ले लीजिए और उसपे अच्छे से बटर लगा दीजिए दोनों तरफ से, वो आपका बटर पेपर तैयार हो जाता है। ये देखिए, मैंने इस तरह से एक बटर पेपर तैयार कर लिया है। अब हम अपने इस पैन को उसी तवे के ऊपर रखते हैं और इसमें हल्का सा हम इसको बटर से ग्रीस कर देते हैं इस पैन को। और इसके ऊपर जो हमने ये बटर पेपर बनाया था वो रख देते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर भी एक बार अच्छे से बटर वाला ब्रश चला देते हैं। देखिए, जो हमने बिस्किट का बैटर बना के रखा था उसमें हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, वो सबके घरों में मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सोडा ऐड करते हैं तो आप 1/2 टीस्पून ही करिएगा, और अगर सोडा भी नहीं है तो आप इनो फ्रूट सॉल्ट डाल सकते हैं। इनो का जो एक नॉर्मल वाला सैशे आता है, लेमन फ्लेवर या कोई भी फ्लेवर का, आप वो एक सैशे ऐड कर दिए। मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ
और बेकिंग पाउडर डाल के इसमें अच्छे से हम मिला देते हैं एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। जल्दी जल्दी थोड़ा सा मिलाइए क्योंकि कोई भी चीज सोडा या बेकिंग पाउडर या इनो डाल के बहुत देर तक बैटर को नहीं रखना चाहिए। ये देखिए ये हमारा मिल गया है। देखिए हमने इसमें अच्छे से बेकिंग पाउडर को मिला दिया है। अब हम अपना ये बैटर इस पैन में ट्रांसफर कर देंगे। और हल्का सा इस पैन को टैप कर देंगे और इसको कवर करके 10 से 12 मिनट हम लो फ्लेम पे रखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप 5 मिनट बाद इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि कई बार होता है किसी की तवा भारी होता है, किसी का पैन में फर्क होता है, किसी के फ्लेम में फर्क होता है। इसलिए आप 5 मिनट बाद इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमारा स्लाइस केक बन के रेडी तो नहीं है। केक जब तक हमारा बेक हो रहा है हम अपनी वो जो हमने बिस्किट से क्रीम निकाली थी ना उसकी हमें अच्छी सी क्रीम बना लेते हैं। और उसके लिए हमने एक हल्का सा दूध को गर्म कर लिया है, बहुत गुनगुना सा है, और थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। हम इसी बिस्किट की निकली हुई क्रीम से ही खूब अच्छी सी क्रीम बना लेंगे केक में लगाने के लिए। हमें कोई भी बाजार की क्रीम नहीं चाहिए, इसी से हमारी बहुत अच्छी क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी बिस्किट से जो हमने क्रीम निकाली हुई थी वो कितने अच्छे से फ्लफी हो रही है। और इसको हम अच्छे से इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे, 5 से 7 मिनट इसको ऐसे ही चलाएंगे, ये और भी हल्की हो जाएगी। क्रीम एकदम फूल चुकी है, अब इसको हम केक के बेक होने तक या फिर ये समझ लीजिए 10 मिनट तक हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। 12 मिनट हो गए हैं, अभी हम देखते हैं हमारा केक तैयार है कि नहीं। वाओ देखिए कितना अच्छा, कितना जालीदार लग रहा है। अभी हम इसको एक टूथपिक से चेक कर ले रहे हैं अगर ये साफ निकलती है। बीच में टूथपिक डालते हैं, ये देखिए टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ वापस आ रही है। इसका मतलब ये केक हमारा बिल्कुल बनके रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने केक को प्लेट पे निकाल लिया है और जो ये हमने होममेड बटर पेपर बनाया था उसको आराम से निकाल दिया। और आप, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप इसकी जाली देखिए कितना जालीदार परफेक्ट केक। स्पंज भी आप देखिए इसका कितना स्पंज है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका स्पंज देखिए। अब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इस पे आगे का वर्क करेंगे। देखिए एक बार आप कितना जालीदार केक ये तैयार है। बटर पेपर की भी आपको जरूरत नहीं है, आप घर पे बच्चों की किसी भी नोटबुक का एक पेज लीजिए, उस पे हल्का सा दोनों साइड से बटर लगाइए या ऑयल लगाइए, आपका बटर पेपर होममेड तैयार। अब हम अपने स्लाइस केक को काटते हैं। पहले हम साइड से इसके ये निकाल देते हैं जिससे हमारा ये बिल्कुल स्क्वायर कट के आएगा। मैं आपको इसका स्पंज दिखाती हूँ, आप ये देखिए कितना स्पंजी ये स्लाइस केक हमारा बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए हमने इसको एक स्क्वायर शेप दे दिया है। अब हम इसको बीच में से दो बराबर पार्ट में काट लेते हैं इस तरह से, और ये हमारे दो बराबर पार्ट में केक कटकर तैयार है। अब केक बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इस टाइम पर हमने जो ये क्रीम फ्रिज में बना के रखी थी उसको हम एक ये कोई भी पैकेट ले लेंगे, ये दूध का पैकेट है या कोई भी मोटी पैकेट आपके पास हो उसको हम इस तरह से ग्लास में फंसा लेंगे और चम्मच से हम जो हमने क्रीम बनाई थी सारी इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, हमने इसमें अपनी क्रीम डाल ली है पन्नी में और इसको पे हम एक रबर बैंड लगा लेते हैं और नीचे से हम कैची से इसमें एक कट लगा लेते हैं। अब जो ये हमारा स्लाइस केक बनकर रेडी हुआ है इस पे हम इस क्रीम को अच्छे से डाल देते हैं।
आप इसको किसी स्पून से भी डाल सकते हैं, आप इस तरह से पन्नी से भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको इसमें डाल दीजिए और फिर चम्मच से हम इसको हल्के हल्के से पूरे में फैला देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे बाजार का स्लाइस केक खाना भूल जाएंगे। ये तीन सामान से इतने अच्छे से घर में आपका स्लाइस केक बन जाता है। ना इसमें हमने अलग से चीनी डाली है, ना इसमें ऑयल डाला है, ना मैदा है, ना कोको पाउडर है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरे में अच्छे से क्रीम को फैला दिया है। और हम अब इस पे अपना ये दूसरा वाला स्लाइस भी इस पे रख देते हैं, ये देखिए। और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी स्लाइस पेस्ट्री कह सकते हैं, स्लाइस केक कह सकते हैं, ये बनकर तैयार है।